वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो आज ही हमने दो क्लासेस करी हैं, सो जनवरी एंड देन सितंबर, राइट। तो दोनों पार्ट्स मैंने कवर कर दिए, पार्ट थर्ड ऑफ द सितंबर एंड जनवरी मंथ एंड देन सितंबर, राइट। सो अब इसमें जो भी आपके पास क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो दैट इज दैट अक्टूबर मंथ हमारे पास रह जाता है, बाकी सारा कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा ना, तो एक बार वीडियो देख लेना, अदरवाइज फॉर रिवीजन यू कैन चेक द पीडीएफ टू, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप। नाउ टुडे वी विल बी कवरिंग अप द साइंस सेक्शंस, यू ऑलरेडी डिमांडेड फॉर द थिंग्स। मैंने यहाँ पर, अगर मैं आज से आपको बताया भी, एफकेट के लिए काफी कम टाइम है, ठीक है, बट फॉर सीडीएस द टाइम इज वेरी मच, ठीक है। हमारे पास टाइम है, बट वो भी कम टाइम है, ऑलमोस्ट टू मंथ्स वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, साची वेरी गुड इवनिंग, दीप तुम्हारे, जय हिंद कनिका मोरिया, जय हिंद, ओके योगी प्रिया, जय हिंद। नाउ दैट ओनली टू मंथ्स हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास इतना टाइम है। मैंने क्या करा है, मैंने कुछ चीजें डिवाइड कर दी है इन पार्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अनदर काइंड ऑफ साइंस सब्जेक्ट। अगर हम इनको एज ए टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे, सो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, व्हाई आई डिड दैट, कि हम वी विल बी कंप्लीटिंग दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स विद इन ए क्विज पैटर्न, ठीक है। एक क्विज पैटर्न करेंगे, क्विज पैटर्न मीन्स, जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन कराते आया हूँ अपना ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स, उसमें हमने बहुत इजी तरीके से हर एक टॉपिक को इजीली समझाया, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हमने, मैंने जैसे एक टॉपिक लिया है, उस टॉपिक पे मैं कवर अप करूंगा, कि हम फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन कवर अप करेंगे जिसमें हम चीजों को समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं, दिस इज द पार्ट वन, ठीक है। अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, हमें कुछ चीजें पता लगती रहेंगी, ठीक है। और इन साइंस सब्जेक्ट्स को ना बहुत सिलेक्टिवली हमें चूज करना होता है, कि मीन्स कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक दे दिए गए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, ये सारे, और साथ में जैसे न्यूटन के लॉज हो गए, फोर्स हो गया, फ्लेक्शन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है, आई मीन इस टॉपिक्स क्या है सारे, अगर हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, तो इट विल टेक मोर टाइम, कि एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद में चीजों को समझेंगे, फिर फॉर्मुलेस हैं, ठीक है, वो उसकी बेटर, उससे अच्छा है कि हमें क्विज में पैटर्न में करें, कि क्विज दे दिया एंड देन क्विज के बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करें, जिससे हमारी नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और ये बेटर प्रिपरेशन है एग्जाम्स को कवर अप करने के लिए, नहीं तो एग्जाम में सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। साइंस सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आप अगर ऐसे ऐसे कवर अप करोगे, तो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन गायब हो जाएगा, आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब कवर अप करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, आई हैव डिवाइडेड दिस थिंग्स इनटू द क्विज पैटर्न्स, ताकि हम ये चीजें कर ले कवर अप, उसके बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा हर एक चीजें, कि ये कैसे हो रही है, वो कैसे हो रही है, ठीक है। सो आप सभी रेडी हो, एक बार कमेंट में डाउन कर दो If you all are ready, की ready sir, then मैं class start करता हूँ, okay? बस ये है कि जो चीज समझ में नहीं आएगी ना, आप मुझे उसी same point of time पे बता दो, सर ये question समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं topics को सिर्फ quiz pattern में लेके समझाऊंगा आपको, कि this is, ये जो question है इसको हम ऐसे करेंगे and this is this, okay? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे तो वो टाइम ज्यादा लेगा, और टाइम लेगा तो फिर हमारी जो प्रिपरेशन और सब्जेक्ट पे हमें जो देना है फोकस, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। मुझे जल्दी से बताओ, then we will be starting it, and I'm saying again, very good evening to all. ऐसा गुड नाइट का टाइम है इसके बाद, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। I have already got the confirmation from all of you, ठीक है। So let's start with the first question, ठीक है। और मैं थोड़ा एग्जाम्पल से क्वेश्चन करूंगा, ताकि आपको ना हर एक चीज इजिली समझ में आए, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और कैसे हमें कवर अप करना है। लेट्स, वेरी इजी क्वेश्चन मैंने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वॉशिंग मशीन का, ठीक है। अगर क्वालिटी में कुछ इशू है ना, तो आप अपनी मैक्सिमम क्वालिटी चूज कर सकते हो, 360, 480, 720 भी, कोई भी सेटिंग से जाके इजीली चेंज कर लेना, एंड देन जस्ट फोकस ऑन द क्लास, बैठ के कहीं पर भी आराम से पढ़ रहे हो, पढ़ो, पर चीज को समझो क्या बोल रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वॉशिंग मशीन का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है, बट जैसे कि सामने एक वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन से समझ में आ जाएगा कि वॉशिंग मशीन क्या है, पहले ऐसे जाती है एंड देन फिर इसके बाद में मूव करती है टू द अनदर पोजीशन, ठीक है। पहले वो पहले क्लॉकवाइज जाएगी एंड देन फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो कम्प्लीटली क्या है कि वो मूव कर रही है, ठीक है। और हमें ये चीज समझना है कि जो फोर्स जो जनरेट हो रहा है बिटवीन द सेंटर, वो कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जनरेट हो रहा है, और इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन ही होगा। और ये क्यों, क्योंकि दो फोर्सेज जो है वो जरूरी जनरेट करती है, एक तो हमारी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, साथ साथ लिखते भी रहना अगर नोटबुक लेके बैठे हो तो, और एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जितनी फोर्स है सारी सारी वो सेंटर पे जाके लग रही होती है, ठीक है।
ये ऐसे, तो वॉशिंग मशीन जब भी घूमती है, आपने जो भी नोटिस किया होगा, तो इट विल बी मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती रहती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स जो जनरेट होती है बिटवीन द एट द सेंटर जनरेट हो जाती है, और उसके सेंटर जनरेट होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, और वही प्रिंसिपल को वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। और क्वेश्चन कभी भी आएगा ना एग्जाम्पल में, तो आप समझ सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन पर कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको वर्किंग प्रिंसिपल याद आ गया वॉशिंग मशीन का, तो आप हमेशा आंसर दे दोगे कि दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, इसमें क्या है कि आप इजीली देखोगे ये वॉशिंग मशीन का इंटीरियर डिजाइन है, इसमें क्या हो रहा है कि क्लोथेस अंदर है, ठीक है, और ये मूव कर रही होती है इस साइड से ऐसे करके एंड देन फिर ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या है कि बीच में सारा फोर्स बन जाएगा सेंटर पे, और जो क्लोथेस होंगे वो ऊपर नीचे, और उस प्रिंसिपल की यूज से हम क्या कर लेते हैं, क्लोथेस को इजिली यूज कर लेते हैं एज ए टू वॉश इट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। जैसे मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एंड सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ठीक है, मेन प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन है, इसको इजीली आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, इसमें पूछ रहा है कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन जो है डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स। मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे उसी टाइम बताओ, बट डू नॉट क्रिएट सम कि ये चीजें ऐसी लग रही है वैसी लग रही है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे डायरेक्टली। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि मैं उन्हीं चीजों को समझाऊं जो एग्जाम से रिलेटेड हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो न्यूटन के जो लॉस ऑफ मोशन है, तो कितने लॉस ऑफ मोशन है, न्यूटन के दो तीन लॉस ऑफ मोशन है जो हमने अभी तक क्लास में पढ़ते हुए हैं हमने स्कूल टाइम से, ठीक है। तो वो तीन लॉस ऑफ मोशन है, उसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा इनमें से है जो होल्ड नहीं करता न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को। या तो बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब, या फिर मूविंग स्लोली स्लोली मूव कर रहा है तब, या फिर मूविंग विद हाई वेलोसिटी तब, या फिर वो वेलोसिटी जब मूव कर रहा है एज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये पूछ रहा है। सो द करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, आप लोगों का आंसर नहीं आया बट आई विल आंसर यू दैट दैट इज दिस डी आंसर। क्यों, जैसे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता है क्या, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वो बॉडी, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब तक रिमेन उसी मोशन में रहेगी, या फिर वो किसी स्टेट रहेगी, एक जगह पड़ी है तो एक जगह पड़ी रहेगी, या अगर हम फोर्स देंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया हमने तो मूव करते करते हुए यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो जब भी जाएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है, फर्स्ट लॉ हमें बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिमेन या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर एक मोशन में रहेगा तब तक जब तक कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए या एक्सटर्नल फोर्स से उसे आगे ना भेजा जाए, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है, और जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा था एट रेस्ट, तो एट रेस्ट पे न्यूटन लॉ बिल्कुल ऑब्जेक्टली काम करता है, लेकिन अगर मूव कर रहा है स्लोली तब भी वो काम करता है, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी काम करता है, लेकिन डी इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट पे वो काम ही नहीं करता न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आपको पता होगा ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ओनली वर्क्स विद द ऑब्जेक्ट दैट आर एट रेस्ट और एट एन यूनिफॉर्म पोजिशन मोशन, ठीक है। बाकी अगर दो, ये दो मोशन और भी है ये आपको याद रखना होगा, जितना एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा, ये आपने फॉर्मूला याद किया होगा एफ इक्वल्स टू एम ए। इसका मींस क्या होता है कि जितना एक्सेलरेशन लग रहा है और जो वेट है बॉडी का उसके हिसाब से उतना ही फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होगा, ओके। एंड द थर्ड लॉ मींस कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कि एक रॉकेट आपने देखा होगा जब उड़ता है तो एक थ्रस्ट पैदा करता है वो नीचे से जिसकी वजह से वो अपवर्ड जा पाता है, तो सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। कहीं कुछ समझ में आया तो मुझे बता देना, बट बाकी आगे बढ़ते रहो। चलो अभी मैंने एक क्वेश्चन भी ला दिया आपके जेट इंजन का, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसकी वजह से वर्क करता है वो, ए जेट इंजन जो है वो किस प्रिंसिपल ऑफ वर्क करता है, आंसर करो, गैस करो, अगर गलत भी होता कोई बात नहीं मैं बताने के लिए हूं यहाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जेट इंजन लिखा है, जेट इंजन कैसा होगा, जैसे मैंने बताया ये इस टाइप का एक जेट इंजन है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि वो किस प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है। तो जेट इंजन बेसिकली किस वर्क करता है, एक फ्यूल है, फ्यूल आप इस बॉडी में डालोगे और बॉडी क्या हो जाएगी, वो उस फ्यूल को कंजप्शन को यूज करेगी, कंजप्शन लेगी और उसको हीट करेगी, हीट करने के बाद जो फोर्स बनेगा उसको नीचे की तरफ बैकवर्ड पुश करेगा, और जो ये हीट जारी होती है ऐसे करके वो हीट उसको फोर्स करती है कि आप अपवर्ड मोशन में जाइए रॉकेट, ये जेट इंजन। तो वो जेट इंजन जब अपवर्ड मोशन में जाएगा तो वो कैसे जा रहा है, लीनियर मोमेंटम में, ठीक है, कैसे जा रहा है लीनियर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में नहीं जाता है, एंगुलर मोमेंटम में तो फिर हमारा डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम में जाता है याद रखना हमेशा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हर एक जेट इंजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है जिससे कि वो फ्यूल जो प्रोड्यूस होता है, जैसे आप एक बाइक को भी ले लो, बाइक कैसे मूव करती है, आप जब उसमें पेट्रोल या कुछ भी आप
फ्यूल इंजन फ्यूल डलवाते हो तो वो फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। उस कम्बशन की वजह से जो फ्यूल कम्बशन बनता है उससे पावर प्रोड्यूस होती है, और वो पावर से हम क्या यूज करते हैं, हम उस व्हीकल को मूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द चेन्स, है ना। बाइक में भी यही नॉर्मली वर्क करता है। सेम द जेट इंजन के अंदर क्या होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप समझ पाओगे उससे। ये जेट इंजन का डायग्राम है, इसमें देखोगे तो ये एग्जॉस्ट जो निकल रहा है ना, यहाँ से वो फायर पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे थ्रस्ट बनता है। थ्रस्ट बनने की वजह से यहाँ पर इस सरफेस पर जब फोर्स एग्जर्ट होता है तो वो इसको अपवर्ड पुश करता है, ठीक है। कम्बशन यहाँ पे हो रही है, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा फ्यूल गया इंटेक, यहाँ से फ्यूल इंटेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एयर जा रही है कंप्रेस होके भी, और देन फिर यहाँ पर फ्यूल जो जनरेट हो रहा है उसकी वजह से पावर प्रोड्यूस हो रही है। कंप्रेस इतना ज्यादा कि प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है इस जगह पर, उस प्रेशर बनने की वजह से तो जो प्रेशर रिलीज होना है वो यहाँ से रिलीज होता है और फोर्स एग्जर्ट करता है सरफेस, सरफेस पर जब एग्जर्ट करेगा तो वो पुश करेगा अपने आप को अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड होने के अपवर्ड पुश होने की वजह से क्या होगा कि जो जेट इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करेगा कि तू रॉकेट कि रॉकेट आप अपवर्ड मोशन मूव करो, गॉट इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आंसर करना, फोर्थ क्वेश्चन पे। थोड़ा मैं लगता है थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हाई ले लिया, आपको आंसर नहीं कर पा रहे आप। ये वाला क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, इसमें क्या पूछ रहा है, वो कौन सी वेव है इनमें से जो यूज की जाती है फॉर द कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं जो कौन सी वेव यूज की जाती है उसके लिए, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, या AM, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1016 सीरीज, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगी, ठीक है, इसमें तो आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हो एलिमिनेट पहले से। लेकिन बाद में अगर पूछा गया कि इनमें से कौन सी वेव यूज की जाती है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए, आंसर आ रहे हैं BB2B। ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर देखो, आप जो आंसर कर रहे हो दैट इज रेडियो वेव्स, एंड बेसिकली दिस इज नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती है वो यूज करती है माइक्रोवेव रेडियो सैटेलाइट, ठीक है। वे जो बेसिकली यूज करते हैं हम, जैसे हम अगर शिप पे हैं हम, ठीक है, हम अगर कोई कुछ चीजें कनेक्ट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, माइक्रोवेव यूज करते हैं। माइक्रोवेव या वेव की बात की जा रही है, ठीक है, रेडियो सैटेलाइट की बात नहीं की जा रही। रेडियो टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारी लेयर होती है उसमें रेडियो वेव यूज करते हैं ताकि हम किसी भी काम के लिए कर सके, ठीक है। और जैसे हमने मैंने बताया माइक्रोवेव जो होती है वो बहुत छोटी फॉर्म होती है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, कितनी फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं हमसे, जल्दी से कमेंट डाउन करो। माइक्रोवेव यूज करते हैं हम टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी करते हैं, हम साथ में व्हीकल्स के मूवमेंट की चेक करने के लिए भी करते हैं, ट्रैकिंग करनी होती है ना उसकी वजह से भी करते हैं, शिप पे कम्युनिकेशन करना है उस पर भी करते हैं, ठीक है, हैंडल करते हैं टर्मिनल्स को उस टाइम पे भी हम करते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप इन चीजों को सुनने फंस जाते हो तभी आपको एक नंबर कैसे कट जाते हैं, ठीक है, और जब आपको चीज समझ में नहीं आती तो आप एकदम छोड़ के चले जाते हो हर चीज, ठीक है। तो एक ऐसी याद करना है कि माइक्रोवेव के लिए हम कम्युनिकेशन फॉर सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं, ओके। चलो ये वाला बताओ, ये वाला तो आप सब बता दोगे, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर का जो स्प्लिटिंग होता है प्रिज्म के अंदर वो कौन सा प्रोसेस होता है वो बताना है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज कौन सा होता है वो बताना है। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज के साची बी द नंबर 2। वेरी गुड, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एज यू ऑलरेडी नो दैट इफ ए प्रिज्म इज सिटिंग एट देयर एंड वायलेट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म देन इट विल बी डिफ्लेक्टेड इनटू अदर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। उस डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को हम रेनबो भी एक साइड से कह देते हैं कि एज ए रिप्लिका ऑफ, हमें किसका रिप्लिका लगता है वो, हमें वो रिप्लिका लगता है एज ए डिफरेंट लाइट लाइक ए रेनबो। तो हम क्या कहते हैं उसमें, जब एक वायलेट लाइट कभी भी इंसिडेंट करती है ऑन द प्रिज्म तो इट डिफ्लेक्ट द कलर्स इन द अदर डिफरेंट कलर्स में डिफ्लेक्ट करता है, तो व्हाट वी कॉल्ड इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। Like in the diagram you can see it is एक white light incident कर रही है इस जगह पर, ठीक है, और फिर वो से deflect कर रहा है अलग अलग colors light of light में, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, that is called dispersion of light। तो इस process को हम dispersion of light कहते हैं, याद रखना, ओके। और एक चीज और याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि dispersion of light किस किस चीज पर depend करती है, तो it can you can simply say it depends on wavelength that is lambda and the color of the light, जो light का color होता है। जैसे हम अगर white color use कर रहे हैं तो it deflect this white color into the different form different colors of light, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन इन लिक्विड इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी लिक्विड के अंदर वो किसकी वजह से होता है। इट बेसिकली ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, जो लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक जैसे होते हैं मॉलिक्यूल, जो एक चीज शेयर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव मॉलिक्यूल्स। और इसके बीच में कोहेसिव फोर्स आता है, फोर्स मतलब जो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे ही होंगे तो उनके बीच में ना बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से हो जाती है, और इसके बॉन्डिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो वो बॉन्ड को क्या कहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड होने की वजह से सरफेस टेंशन लिक्विड में हमें दिखता है। और वो कैसे दिखता है, इट इज लाइक इन दिस डायग्राम, ठीक है। ये देख रहा होगा ये वाटर जो है
are then this molecules having a cohesive force between other molecules. जो like molecules होते हैं उनके साथ वो cohesive force बनाते हैं और जो different molecules होते हैं they make something different. Unwrap, repel करते हैं दूसरे को. So इस property को हम क्या कहते हैं कि जो cohesion होता है similar molecules का और वो represent करते हैं behavior of liquids को. जैसे आप किसी भी shape में डालोगे उस shape में वो अपने आप को ढाल लेते हैं. ठीक है, चलिए seventh question. Which of the following is used in oven? Oven के अंदर हम कौन सी यूज करते हैं इनमें से रेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा एक्सरेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, या रेडियोवेव्स. ओवन हम कौन सी यूज करते हैं? आपने कभी ओवन यूज किया होगा तो आपको याद होगा कि हम इसमें कौन सी चीज यूज करते हैं. देखो एक्सरे तो यूज नहीं करते है ना, और यूवी रेज भी हम यूज नहीं करते. यूवी रेज बेसिकली कम्स फ्रॉम द सनलाइट है ना, एंड वी यूज द माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स हम यूज करते हैं, माइक्रोवेव भी यूज ऑल्सो फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन चीज भी यूज करते हैं, और साथ साथ हम किसके लिए यूज करते हैं, हम साथ साथ ओवन के लिए यूज करते हैं. जो ओवन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो होता है उसको कम्प्लीटली हीट दी जाती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं उस एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट हम अपने खाने में भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो याद रखना माइक्रोवेव रेडिएशन यूज की जाती है. ओके, वेरी गुड, ऑल यू ऑलरेडी आंसर्ड, वेरी नाइस, ओके गुड. नेक्स्ट, ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन. ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो किस में यूज होती है? देखो ऑप्टिकल फाइबर हमेशा एंडोस्कोपी में यूज होती है. मेडिकल फील्ड के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा यूज होती है, हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए भी यूज होती है, तो भी याद रखना. सॉरी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए यूज होती है, ठीक है. मेडिकल फील्ड में एंडोस्कोपी के लिए यूज होती है, जिससे हम बिना किसी सर्जरी करे हुए इंसान के अंदर की बॉडी के जानकारी ले सके कि वहां प्रॉब्लम क्या है इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन. ठीक है, तो एंडोस्कोपी के लिए यूज करते हैं. एक छोटा सा रोबोट होता है वो जाता है, ऐसे फाइबर हमने ऑप्टिकल फाइबर लगा दी, छोटा सा कैमरा होता है वो रोबोट की तरह वर्क करता है, अंदर जाता है एंड देन चेक द कम्प्लीटली ट्रैक करता है कोई चीज को. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस विच कंडक्ट्स करंट इन द सॉलिड स्टेट इज. सॉलिड स्टेट में जो करंट कंडक्ट करता है वो उसको सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है. इज इट डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन या सोडियम क्लोराइड? सब्सटेंस आपके सामने दे दिया है, अब आपको बता रहा है कि वो सॉलिड स्टेट कौन सा है जो कंडक्ट करता है करंट. पहले तो आपको पता होना चाहिए जो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी इट विल बी कॉल्ड एज कंडक्शन प्रोसेस. कंडक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है? सब्सटेंस टू सब्सटेंस जब हीट ट्रांसफर होती है तो हमसे क्या कहते हैं? कंडक्शन प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ हीट, सर क्या कहते हैं? कंडक्शन. और सब्सटेंस कौन सा है? जैसे आप लोग आंसर दे रहे हो सांची फोर्स, ग्रेनाइट डी, सांची डी बाय 2, अलग अलग आंसर. तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट जो है इट इज अ कार्बन बॉन्ड, ठीक है, इसलिए हम ग्रेफाइट का इसलिए आंसर देते हैं कि सब्सटेंस वो जो कंडक्ट करता है करंट को इन द सॉलिड स्टेट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्यों? ग्रेफाइट इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन की एक बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, इसलिए हम इसे थर्मोकेमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम हीट का फॉर्मेशन देख सके कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या है. और आपने देखा होगा जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सारे सारे इस फॉर्म में होते हैं, है ना. तो हमने क्या ज्यादातर चीजें कार्बन की अगर हमें बिहेवियर के बारे में पता करना है तो ग्रेफाइट को हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज इज साउंड वेव्स टू मेजर डेप्थ ऑफ द ओशन इज. जब ओशन की हमें डेप्थ पता करनी हो कि इसमें डेप्थ कितनी है, जैसे हम शिप पर हैं और हमें पता करना है कि आगे वाले जगह पर कितनी डेप्थ है, तो व्हाट वी विल यूज? वी विल बेसिकली यूज द सोनार, ठीक है. सोनार इज द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ द ओशन. कैसे? सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम एक सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल सरफेस पे जाता है एंड देन फिर वो डिफ्लेक्ट होकर दोबारा से उसी सरफेस पर आता है जिसे हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. और वो जब डिटेक्ट कर लेता है तो उसके बाद हमें पता लग जाता है कि वो कितनी लेंथ है जहां पे उसने वो हिट किया है सरफेस को नीचे ओशन के अंदर. ओके, तो याद रखना सब वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? दैट इज सोनार. सोनार इज दैट इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन. ओके, तो क्या एक तो ये याद करना है सोनार क्या यूज करता है. सोनार यूज करता है साउंड वेव्स को, ठीक है, उसकी और उससे क्या फायदा होता है? जिससे हम डेप्थ मेजर कर लेते हैं. इट मेजर्स डेप्थ, और डेप्थ भी किसकी? ओशन की, ठीक है. ओशन में अगर हमें तो हम इजीली डेप्थ को मेजर कर सकते हैं. तो याद रखना सोनार इज द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज द साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंस्ट्रूमेंट. वो इंस्ट्रूमेंट बताना है अभी यहाँ पर जो मेजर करता है फोर्स और वेलोसिटी ऑफ द विंड. विंड की वेलोसिटी और फोर्स को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं एनीमोमीटर. क्या कहते हैं? एनीमोमीटर. एनीमोमीटर क्या करता है? जैसे मैंने आपको रीजनिंग में भी कई बार क्वेश्चन पूछा था कि विंड की वेलोसिटी या फोर्स की अगर मेजर करना है तो व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज द एनीमोमीटर डिवाइस. इट इज यूज बेसिकली फॉर टू मेजर द कंप्लीटली वेलोसिटी ऑफ द विंड. विंड की वेलोसिटी पता करनी है किस वेलोसिटी से चल रही है, तो वी विल यूज द एनीमोमीटर. ओके, तो कीप रिमेम्बर इट. और ये बेसिकली कॉमन वेदर स्टेशन में भी जगह पर मिल जाएगा आपको, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर वो रखते हैं इस डिवाइसेस को, ठीक है. अगर कभी एग्जाम्पल पूछा गया तो बता सकते हो.
अच्छा इस क्वेश्चन में ना आप आंसर देना, इसमें पूछ रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग क्या चीज प्रोड्यूस करती है, इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस द कूलिंग, कूलिंग क्या प्रोड्यूस, कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द आइस विच डिपोजिट ऑन द फ्रीजर, जो फ्रीजर पे डिप जो आइस डिपोजिट आती है उससे फ्रीजर के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग होती है, या फिर सडन एक्सपेंशन ऑफ ए कंप्रेस गैस, जो गैस का कंप्रेस एक्सपेंशन हो जाता है उसकी वजह से, या फिर द एवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड उसकी वजह से, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। सो आई विल जस्ट इफ आई चूज द आंसर दैट इज द डी, डी वाई डी, क्योंकि बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि फ्रीजर में जितनी भी आइस होगी उसकी वजह से ठंड होगी, नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर सडन एक्सपेंशन हो जाएगा कंप्रेस गैसेस का तो वो कंप्रेसर फट जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है, ये तो गलत है। इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, नहीं वोलेटाइल लिक्विड का इवेपोरेशन की वजह से नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत है। बेसिकली इट इज ए कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस कैसे होती है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो एक उससे चलता है रेफ्रिजरेंट से, ठीक है, रेफ्रिजरेंट गैसेस होती है, उस रेफ्रिजरेंट गैस एक ट्यूब के अंदर को मूव करती रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हीट होती है वो हीट अपने में ऑब्जर्व कर लेती है बहुत इजीली, एंड देन फिर वो रिलीज भी कर देती है बाद में, और फिर दोबारा से वो रोटेट करती रहती है ऐसे, और बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है उसकी, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी माइनस में रहता है तो हमेशा इजीली ऑब्जर्व कर लेती है। और जो उसका प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेंट गैस का वो ये होता है कि पहले वो कंप्रेस करती है एंड देन एक्सपेल करती है हीट को बाहर निकाल के, और फिर दोबारा सडनली एक्सपेंड करती है, फिर अब्जॉर्ब करती है हीट, और ये रोटेट करती रहती है, यही प्रोसेस चलती रहती है। प्रोसेस कैसे, हीट अब्जॉर्ब करेगी वो अंदर से और फिर बाहर रिलीज कर देगी, किसकी वजह से, जो फिन्स लगी रहती है अपने फ्रिज के पीछे, देखिए रेफ्रिजरेटर के पीछे फिन्स ऐसे लगी रहती है ना, वो यही काम करती है फिन्स कि वो हीट को निकाल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है, टाइम, डिस्टेंस या लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर देखें तो लाइट टाइम की क्या यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट भी होती है मीटर, ठीक है, बट यहाँ पर लाइट ईयर की पूछी गई है, तो लाइट ईयर हम कहाँ देखते हैं, जब हम स्पेस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम डिस्टेंस को चूज करते हैं, ठीक है, तो याद रखना लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। जब हम स्पेस में बात करते हैं कि वो प्लैनेट कितने लाइट ईयर दूर है तो दैट इज द डिस्टेंस, ओके, तो याद रखना क्वेश्चन को, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। Now the question is asking about, मैंने ये ज्योग्राफी में पूछा था तो इट इज वेरी मच इजियर टू की फिजिक्स के टॉपिक्स में भी आता है ये कि लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली, कितने टाइम में जाती है लाइट, अगर सन की जो रे ऑफ लाइट है वो अर्थ पर कब तक आ जाती है, तो इट विल रीच टू द इन 8 मिनट, 8 मिनट में वो करीब करीब पहुंच जाती है। और एक और चीज याद रखना, अगर हमें पूछा गया कि मून से अर्थ की सरफेस तक लाइट पहुंचती है तो वो कितना टाइम लेती है, इट टेक्स ओनली अ सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड लेती है वो, ठीक है, अगर उसे अर्थ तक पहुंचानी है मून की लाइट, ठीक है, और जब सन से आती है तो करीब करीब 8 मिनट्स ले लेती है वो, ठीक है। पास्कल, अब यहाँ पे पूछा गया है पीए, पीए इज ए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एंड पास्कल, ठीक है, पीए इज एब्रीविएशन, ओके, याद रखना। तो पास्कल किसकी यूनिट है, यहाँ पे पूछा गया थ्रस्ट, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी या कनेक्टिविटी, पास्कल किसकी यूनिट है, तो पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, जैसे हम बार बोलते हैं ना, तो बार भी यूनिट है एंड देन पास्कल भी इसकी यूनिट है, ठीक है, तो ऐसा यूनिट है, ठीक है, याद रखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और चीज याद कर लो थ्रस्ट रिलेटेड भी, कि जैसे कि थ्रस्ट की यूनिट क्या है, यहाँ पर थ्रस्ट की यूनिट होती है न्यूटन, याद रखना न्यूटन एन, और प्रेशर की क्या होती है बार, जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हर्ट्ज, ठीक है, एंड कनेक्टिविटी क्या होती है सीमेंस पर मीटर, बस ये याद रखना, एस बाय एम याद रखना, सीमेंस पर मीटर याद होती है इसकी, कनेक्टिविटी की भी कई बार पूछी गई है तो याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल वो क्यों होते हैं, ऐसा पूछ रहा है कि वो दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से, या द एटम्स आर लाइटली पैक्ड इस वजह से, या फिर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं मेटल्स, ठीक है, सो बेसिकली दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो ये एक दूसरे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या करते हैं, दूसरे को चार्ज ट्रैप आगे पहुंचाते रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते रहते हैं चार्ज को, जिसकी वजह से ये इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है, बाकी अदर हम जगह देखें तो वो फ्लो ही नहीं कर पाता करंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो फॉर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज रिक्वायर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक चार्ज कैरियर की तरह वर्क करते हैं जो चार्ज को आगे आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द वेव्स आर, ठीक है, अगर हमें किसी वेव की फंडामेंटल कैरेक्टर बताना है कि ये जो वेव जा रही है इसकी फंडामेंटल कैरेक्टर बतानी, तो हमें क्या बताएंगे, हम अगर बताएंगे तो हम ये बताएंगे पहले तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है, हम बताएंगे इसकी वेवलेंथ इतनी है, ओके, नाउ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है,
ओके फ्रीक्वेंसी बताएंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, 1 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में कितनी जा रही है फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ठीक है वैसे करके, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। नाउ द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी पे फ्रीक्वेंसी वेव चल रही है, तो अब हमारे को फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जानने हैं उसके लिए, तो इसमें पूछ रहा है वो कौन सा होगा। देखो वेवलेंथ तो होती है, देन फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेलोसिटी भी होती है, सो इट मीन ऑल ऑफ द अबव विल बी कनेक्टेड, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, स्पीड भी हम चेक करते हैं, देन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है हाइट, ठीक है वेव की हाइट कितनी है। ओके नेक्स्ट मैक नंबर, डेक नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि एफ कैट में तो पूछ लिया था, बहुत इजीली पूछ लिया था सीधा। तो मैक नंबर हम किस कनेक्शन से देखते हैं, मैक नंबर यूज होता है जो किस कनेक्शन से देखा जाता है, अगर स्पीड में देखा जाए तो किस कनेक्शन देखा जाता है, साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड की वजह से, या स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की वजह से, स्पीड ऑफ स्पेस क्राफ्ट की वजह से, या स्पीड ऑफ शिप की वजह से, ठीक है। हम जो नॉर्मली मेजर करते हैं ना मैक नंबर, वो नॉर्मली हम मेजर करते हैं एयरक्राफ्ट, ठीक है, कि वो कितनी स्पीड से चला गया, ठीक है, क्योंकि मैक नंबर मीन्स क्या होता है, जल्दी से बताओ मैक नंबर क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ स्पीड हम देखते हैं उसे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ चीज इसमें, कि मैक नंबर क्या है, कि इसमें क्या है, जब भी कोई स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट हमें मेजर करनी होती है, कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है, तो कितने चल रहा है वो, अगर मैं बता दूंगा मैक नंबर तो अभी आपको आंसर पता लग जाएगा, बेटर है कि जल्दी आप आंसर कर दो। तो मैक क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो साउंड की स्पीड से हम उसे कंपेयर करके देखेंगे कि उसके रिलेशन में साउंड की स्पीड से वो कितनी स्पीड पर चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट है वो ट्रेवल कर रहा है एट द मैक 1, तो इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली ट्रैकिंग एट ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और अगर उसका जैसे हमने बोला कि मैक 2 पे चल रहा है या मैक 5 पे, जैसे भी हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मैक 5 पे मैक 4 पे हम बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वाली, तो वो इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो इट इज द करेक्ट आंसर इज कैंडेला, ठीक है, कैंडेला को हम बोलते हैं कि वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है। तो आपको याद रखने कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो केल्विन किसकी होती है, टेम्परेचर की, और एम्पेयर किसकी होती है, करंट की, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एंड द कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्ट्रीम, इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको तीन लॉज बताए थे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पूछा गया द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ये पूछ रहा है कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो किसकी होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच, ये पूछ रहा है। तो व्हाट इज इट, सम ऑफ देयर मासेस, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के सम, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, या फिर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच का, ठीक है, या फिर उनके बीच के जो मासेस है प्रोडक्ट m1 into m2 कर दें, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो, ठीक है, या फिर सम ऑफ देयर मासेस। तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, ठीक है, सो विल आवर आंसर विल बी द थर्ड। ओके तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमें पता लगाना है उसके बीच में फोर्स कितना चल रहा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड देन वी कैन गेट द फोर्स इन विच डायरेक्शन इट इज द फोर्स कॉजिंग। ओके सो दिस इज द कंप्लीट फिजिक्स क्वेश्चंस, आज थोड़ा काफी ज्यादा प्रेशर भी था, काफी सारी क्लासेस ले ली मैंने, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम कोई क्लासेस करेंगे तो वी विल बी डूइंग एवरीथिंग ऑल, ठीक है, विद द टॉपिक वाइज टू। सो आई हैव सम क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क टू, लेट्स कंप्लीट इट, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एयरप्लेन्स, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन भी कराया था अभी आपको, तो जल्दी से इसका आंसर दो, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स की भी हमें कोई ऑब्जेक्ट का देखना है पोजीशन, तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, जल्दी से आंसर कर दो। एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर इंडिकेटेड क्वांटिटी आपको पता होगा ना, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट बेटर क्वांटिटी है डायरेक्शन, ठीक है, जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन होती है, ओके कि वो किस डायरेक्शन वाला आई जे के, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड प्लीज कमेंट डाउन ऑल द आंसर दैट यू ऑल नो, अगर नहीं पता फिर भी आप गूगल जाके सर्च करो एंड देन यू कैन पिक आउट द आंसर जब आप कमेंट करो वीडियो पर, ठीक है, सो दैट यू विल हैव अ ग्रेट नॉलेज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टू। ओके सो लेट्स एंड दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल, जय हिंद एंड स्टे सेफ, गुड नाइट टू ऑल।